तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के कार लाल सुरमे का फिर से। तो दोस्तों, यह है अल्टो के टेन। अब इसमें क्या हो रहा है, इसका लीवर बहुत टाइट है। ये देखो अब गया उधर, यानी कि अब इधर देखो, ये देखो, मतलब ये जो है ना मूवमेंट है ना, फर्स्ट गियर की तरफ और बैक गियर और फाइव गियर की तरफ लेते हैं ना अपन, ये बहुत इसका टाइट हो रहा है। अब इसमें टाइट होने का रीजन क्या है, क्योंकि एक तो देखो इसकी कभी सर्विस नहीं हुई। वैसे अभी मैं खोलूंगा तब दिखाऊंगा आपको कि आपको भी पता लग जाएगा, देखते हैं भाई इसकी कभी सर्विस हुई या नहीं हुई। अब ये गाड़ी क्या खड़ी ज़्यादा रहती है, तो ये लीवर टाइट हो गए। अब भाई साहब है, भाई साहब को यूँ बोला गया भाई देखो कि क्लच बेल्ट भी हो सकती है, क्लच बेयरिंग का भी हो सकता है इशू, प्रेशर प्लेट का, या फिर इसकी असेंबली भी डालनी पड़ सकती है यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो मैं ये बात सही है भाई, असेंबली डालते ही तो ये ठीक होएगा भाई, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट डालने से तो ठीक नहीं होएगा, पर असेंबली अगर किसी ने डाल दी, जैसे इनको भाई साहब को बोला गया था कंपनी में कि असेंबली भी चेंज हो सकती है और प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट भी चेंज हो सकती है, लेकिन इसमें इशू यह है कि गाड़ी सिर्फ खड़ी रही थी और कोई दिक्कत नहीं आई थी, तो इस वजह से जाम हो गया। उसके बाद से ही जाम बोल रहा है। तो अब देखो, इसको अगर मान लीजिए आपके साथ भी ऐसा हो जाए, आप कहीं पर गाड़ी खड़ी कर दो, और ये ज़्यादातर पता कब होता है, जब बरसात का मौसम होता है अपन खड़ी कर देते हैं ना गाड़ी को कुछ टाइम के लिए, तो मॉइस्चर जमने की वजह से भी ये जाम हो जाता है। तो इस वजह से हम मैं दिखा देता हूँ वीडियो में कैसे, अगर आपका ये लीवर टाइट है ना, अगल बगल में जाने में टाइट हो रहा है, तो उसको कैसे सॉफ्ट करना है, तो मैं दिखा देता हूँ। देखो मैं पेच कर ले आता हूँ, काफ़ी आसान है इनको उपाड़ना। देखो यहाँ से पेच कर लगेगा और ये प्लास्टिक का कवर है ना, ये उपड़ेगा। तो चलो पहले मैं हाथ से उपाड़ के दिखा देता हूँ। देखो ये मैंने हाथ से उपाड़ लिया, खींचने से उपड़ गया, क्यों लोक आती है इसमें। अब ये देखो इसकी कंडीशन क्या हो रही है, देखो नीचे से आप ये देखो, अब ये इसलिए टाइट है, ये देखो, ये देखो इनमें क्या है, लुब्रिकेशन तो ख़त्म हो चुका है, इसलिए जाम हो चुके हैं, टाइट हो चुके हैं। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सर्विसें हैं, ये जल्दी से कोई करता नहीं है और इन चीज़ों को बताते नहीं। सीधा क्या करते हैं, ये पूरा यानी कि ये मान लीजिए यहाँ से लेकर वायर तक का पूरा असेंबली चेंज कर देते हैं, जिससे गियर सॉफ्ट हो जाते हैं। और जबकि इतना बड़ी चीज़ है, लेकिन ये है कि अगर आप इसकी सर्विस भी कर दोगे ना अच्छे से, इसको अच्छे से धुलाई उलाई करके इस पर स्प्रे उस्प्रे मार कर इसे लुब्रिकेट कर दोगे ना, तो ऑलरेडी वैसे ही सॉफ्ट हो जाता है। तो चलो मैं दिखाता हूँ देखो क्या करना है, क्योंकि मैं बहुत सी गाड़ियों की ये डाल चुका हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए दोस्तों, क्योंकि ये छोटी चीज़ है लेकिन बहुत फ़ायदे की चीज़ है, और ये सर्विस आप लोग घर पर भी कर सकते हो, जैसे देखो मैंने किया है। अगर आपके पास अल्टो के टेन है, तो इस तरीके जोर से पकड़ के ऊपर ऊपर जाएगा, फिर इसका आराम से आप पेट्रोल से या कोई से भी धो लो, ऐसी चीज़ से धोना है जो उड़ जाए बाद में, तो मैं पेट्रोल से ही धोऊंगा। तो चलो मैं इसे निकालता हूँ और धोता हूँ। देखो कुछ नहीं करना है बस, अब ये उपड़ गया, सिंपल था, देखो कितना आसान, मैंने कोई औजार भी इस्तेमाल नहीं किया दोस्तों। अभी मैं इसकी धुलाई करता हूँ, तो चलो मैं ले आता हूँ तेल वगैरह। तो ये देखो दोस्तों, इसको हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है, देखो बिल्कुल एकदम झक, ये देखो ब्रश वगैरह इससे आराम से तेल वेल मार के, ये देखो पुराना पेट्रोल है मेरे पास, इसी से अच्छे से इसको क्लीन कर लिया, बढ़िया। सिर्फ ये करना रहता है, इसको ये धोना है बस, इसको क्लीन करना है, इसमें डस्ट वगैरह रिमूव करनी है जो हमने अच्छे से करी ली, और इसको कपड़े से भी साफ कर लिया। अब इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं ताकि वो इसमें से स्मेल उड़ जाए, गाड़ी का फाटक वगैरह खोल के और ये छोड़ देते हैं ताकि गाड़ी में स्मेल उड़ जाए, ताकि कस्टमर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये देखिए, अब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखो ये आप लोगों को ना तो कंपनी बताती है, ना आपको लोकल आपके यानी जिससे रेगुलर आप काम कराते हैं वो भी नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये चीज़ें घर करने लग जाओगे तो उसके लॉस होएगा, देखो सिंपल सी बात है, इसलिए नहीं बताते हैं। तो हम आपको ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, ताकि आप लोग इन चीज़ों से बचे रहे भाई, क्योंकि ये सर्विस क्या है इन चीज़ों का, जैसे मान लीजिए आप रेगुलर आपके काम कराते हैं, उसके पास गए, आप बोलोगे यार इसकी सर्विस करते हो, तो क्या बोलेगा, नहीं नहीं ये तो ठीक रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ये तो अंदर रहता है, पैक रहता है। तो जबकि ऐसा चीज़ नहीं होती दोस्तों, इसमें भी डस्ट जाती है, इसकी भी सर्विस होती है, इनको भी ये हल्की सफाई वगैरह करके अब इसमें ग्रीसिंग करेंगे हम अच्छे से, ताकि इसमें लुब्रिकेशन रहे थोड़ा बहुत अच्छा, तो ताकि ये सॉफ्ट चले। अभी देखो ग्रीस करने के बाद देखो कितना फ़र्क पड़ जाएगा, देखो अभी तो इसमें ये मान के चलो कि 60% फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन जब ये रेगुलर थोड़ी थोड़ी चलती रहेगी ना गाड़ी, जब ये रेगुलर यूज में आता रहेगा, तो और सॉफ्ट हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ग्रीस मैं करूँगा ना, तो अभी थोड़ा बहुत ग्रीस करूँगा अच्छे से, फिर उसको भर दूंगा, फिर ये धीरे धीरे चलेगा, तो जैसे ग्रीस इसमें अंदर जाएगा दरारों में, फिर ये और सॉफ्ट हो जाएगा। वैसे तो अभी ग्रीस लगाते ही आधे से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा ये। तो चलो अभी हम ग्रीसिंग कर देते हैं इसको अच्छे से, फिर उसके बाद में दिखाता हूँ तो कितना फ़र्क पड़ता है इस सर्विस से। अब ये चीज़ें मैं आपको इसीलिए बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग ये अगर ये सर्विस करते रहोगे तो ये बड़े लॉस से बचाएगा, क्योंकि अगर ये सूखा चलेगा, इसमें मिट्टी रहेगी, तो ये प्लास्टिक का आता है, जल्दी घिस जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर आप इसको रेगुलर करवाते रहोगे, आप खुद करते रहोगे ना, तो भी ये मान लीजिए इनकी सर्विस इतनी ज़्यादा चलेगी कि आपकी गाड़ी के कागज़ ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी अगर इसको रेगुलर आप लोग करते रहे तो। चलो अभी ग्रीसिंग लाते हैं, फिर ग्रीस करते हैं अच्छे से। तो दोस्तों ये देखिए, अब करना क्या है, देखो ये इतना सा ग्रीस लिया है मैंने, कोई ज़्यादा कोई खास भी नहीं लगा इसमें क्वांटिटी, कि बहुत ज़्यादा ही लगेगा। तो देखो अब इसको किया क्या है, मैं इसको यहाँ इसके लीवर पर थोड़ा थोड़ा लगा देता हूँ, थोड़ा स्प्रिंग होगी यहाँ जड़ में,
इसमें देखो यहाँ पर भी लगाना पड़ता है, ये स्प्रिंगों की जड़ में से यानी धीरे धीरे अंदर जाएगा ये, ताकि अपन अच्छे से इसको लुब्रिकेट कर दे, स्प्रिंगों का अंदर पिना दे। अब फिर ये जो है ना इसको चारों तरफ यहाँ पर ये देखो इसकी है ना कटोरी, इसमें अच्छे से बनना है। अब देखो एक चीज़ और दिखा दूँ, मेरा ये हाथ काम नहीं कर रहा अभी, ये देखो इसको यूँ हिला हिला कर भी बनना है ये देखो। अरे वाह, मेरे को तो काफ़ी सॉफ्ट अभी लगने लग गया दोस्तों, हकीकत कह रहा हूँ, कस्टमर को भी मज़ा आ जाएगा, इतना बढ़िया हो रहा है ये। ये देखो इसमें अच्छे से ग्रीस भर दिया दोनों तीनों तरफ, ये देखो ये देखो ये यहाँ पर भी हल्का सा लगा देना, ये भी चलती है, हल्की मूव होती है, ये मूव होने वाली चीज़ों में। देखो अब इसके पीछे से भी लगा रहा हूँ मैं अच्छे से बेटा। अब ये देखो अब अपने इसमें ग्रीसिंग कर दिया, ये देखिए अब हाथ साफ कर लेता हूँ क्योंकि अब दाएँ हाथ, ये देखो दोस्तों अब इसमें ग्रीसिंग कर दिया आने, ये देखो अच्छे से अब ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट चलेगा। ये देखो अब ये आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ऑटोमेटिक जगह पर आने लग गया, ये देखो छोड़ते ही, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो और अच्छे से दिखा देता हूँ, ये देखो ये देखो। मैं बता नहीं सकता दोस्तों, पहले इतना सॉफ्ट नहीं था ये, यानी इतना ज़्यादा टाइट था, आप देखो अब यानी ये उंगली से चल रहा है, ये देखो ये देखो। अब ये चीज़ें क्या है दोस्तों, देखो मैं बताऊँ किसके काम आने वाली चीज़ें ज़्यादातर, कि जो भाई लंबे चलते हैं उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, ये जो भाई ट्रैफिक में चलता है ना वही समझ सकता है इसका टाइट होने का दर्द, क्योंकि ट्रैफिक वाले भाई को इतना गियर पे चेंज करना पड़ता है, अगर वो ज़्यादा ट्रैफिक में चलते हैं तो शाम तक हाथ दुखने लग जाते हैं। ये देखो दोस्तों शाम को जब घर रेस्ट करते हैं ना बंदा तो हाथ दुखने लग जाते हैं, उस भाई के लिए बहुत ज़रूरी है ये सर्विस। जो भी भाई गाड़ी ट्रैफिक में ज़्यादा यूज करते हैं तो वो इन चीज़ों की सर्विस खुद कर लो घर पर, मैं कह रहा हूँ उनको इतना मज़ा आ जाएगा, यानी वो टाइम से गाड़ी चला रहे हैं ना और फिर उसके बाद सर्विस करने के बाद में गाड़ी चलाएंगे तो शाम को उनको फील हो जाएगा हाथ में, कहाँ भाई वाकई में बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अब ये चीज़ें आप घर पर कर सकते हो, मैंने देखो स्विफ्ट डिजायर की भी डाल रखी है, इको की भी डाल रखी है, और मैं धीरे धीरे सभी गाड़ियों की डालूंगा कि आप लोग कैसे घर पर कर सकते हैं। अब देखो जैसे अल्टो कहते हैं ना, इसमें कोई उजार की जरूरत ही नहीं पड़ी, देखो ये मैंने कर दिया। अब इसको लगाना भी देखो कितना आसान है, इसको यूँ लिया जगह पर ले लिया है ना, ये दब गया और ये फिट हो गया, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। अब देखो गियर, ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब इतना सॉफ्ट चल रहा है अब, ये देखो बिल्कुल, ये देखो दो उंगलियों की मदद से भी लगा सकते हैं अब, ये देखो कोई से भी गियर को, ये देखो यानी ये चीज़ें इतनी फ़ायदे की हैं दोस्तों, ये सर्विस है, आप लोग घर पे करो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत छोटी प्रोसेस होता है, कई जगहों पे पेचकस का यूज होता है, कई जगह पे हाथ से पकड़ने से निकल जाती है क्योंकि प्लास्टिक की लोक आती है इसमें। तो ये छोटी छोटी नॉलेज है दोस्तों जो आप लोगों को होनी चाहिए, ताकि आप लोग अपनी गाड़ी को खुद मेंटेन कर सको इन चीज़ों में, क्योंकि ये चीज़ें क्या आप लोगों को बताई नहीं जाती, आप लोगों को पता भी नहीं है। अब आप लोग बताई नहीं जाएगी तो आप लोग ये सोचते हैं मैकेनिक के जाएगी जब ही होएगी ठीक, जबकि ये चीज़ें आप घर पर कर सकते हो, कोई मैकेनिक की जरूरत नहीं है, ये चीज़ों आप खुद अपने गाड़ी का, ये देखो गियर, ये देखो क्या हो गया, वाकई में दोस्तों मैं बता नहीं सकता इतना फ़र्क पड़ गया, कि अगर आपके पास गाड़ी है तो आप खुद करके देखना, आपको खुद को मज़ा आ जाएगा, इतना फ़र्क पड़ेगा इस पर। तो चलो चलते हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करें, मैं अपने नंबर दूंगा और आपको अच्छा अच्छा सजेशन दूंगा जो मुझसे हो सका सबसे बेस्ट, और आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। आप मेरे नंबर लो, मुझसे बात करो, आपको जो भी एडवाइस चाहिए मैं अपनी एडवाइस यानी आप लोगों को एडवाइस भी दूंगा। तो दोस्तों देखो छोटा सा मेथड था लेकिन फ़ायदा बहुत बड़ा है इससे, यानी छोटा मेथड लेकिन फ़ायदा बहुत बड़ा है। अब ये चीज़ें आप लोगों को इसलिए नहीं बताई जाती, देखो अगर ये चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएंगे ना, जो आपका लोकल एरिया का मैकेनिक या कंपनी है तो वो ये जानते हैं कि भाई आपको अगर घर पे करने लग जाओ तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा, उनको लॉस ही होगा, प्लस पॉइंट है। और ये छोटी छोटी सर्विसेज ऐसी हैं कि अगर आप रेगुलर मैकेनिक के जाओगे तो वो ये सोचेगा यार ना तो ये कुछ देगा ना कुछ है, छोटे से काम में ले भी नहीं सकते अपन, मांग भी नहीं सकते, तो इसलिए इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। तो आप लोग इन चीज़ों को खुद घर पर करो, आपकी गाड़ी इतना प्यारा यानी सॉफ्ट रहेगा गियर के, आप खुद मज़ा आ जाएगा। और सभी गाड़ियों में जो आप आ रही ना, वो सभी गाड़ियों में यही मेथड होता है, आप घर पर आराम से कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको फिर भी कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं अपने नंबर दूंगा और आपको पूरी तरीके से यानी गाइड करूंगा और आपको अच्छा अच्छा सजेशन दूंगा। और अगर आपकी गाड़ी में और भी कोई बड़ी परेशानी है कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट करो, मेरे नंबर लो और मुझे बताओ, मैं आपको जितना हो सका ना मुझसे बेस्ट उतनी हेल्प करूँगा आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जो ऐसी कोई ना कोई बेहतरीन मैकेनिक का नॉलेज होगी जो पब्लिक के प्रॉफिट की होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी जो पब्लिक प्रॉफिट की मैकेनिकल वीडियो है वो अपने चैनल पर आती रहती है, जिससे पब्लिक का फायदा होता रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।